हाय गाइस, वेलकम बैक टू पुष्पम्स व्लॉग। सो अभी हम ऊटी के एक होटल में हैं एंड होटल से हम निकल चुके थे अपने रूम से एंड वी आर गोइंग टू विजिट रोज़ गार्डन जो कि ऊटी में था एंड काफ़ी खूबसूरत वो प्लेस है। तो हम लोग उसी चीज़ को विजिट करने जा रहे हैं एंड हमारी कार थोड़ी ही आगे खड़ी है, वो सामने वाली कार। एंड हम जिस होटल में रह रहे हैं उसका नेम था सुलिवान कोर्ट, जो कि बहुत प्यारा था, उसका ही व्लॉग मैं अपलोड कर दूंगी। एंड हम पहुंच चुके थे टिकट काउंटर पे, जिसका अडल्ट का प्राइस 40 रुपीज़ था एंड चिल्ड्रेन का प्राइस 20 रुपीज़ था। तो हमने यहाँ से टिकट लिया 3 जनों का और हमने यहाँ पे टिकट दिखाया। एंड आप देख सकते हो इतनी बारिश में भी लोग ना, इतने सारे लोग आ रखे थे घूमने के लिए। एंड दिस इज़ गवर्नमेंट रोज़ गार्डन। वैसे गवर्नमेंट रोज़ गार्डन पर है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो तो फ्री होना चाहिए। बट एनीवे, तो हम आ चुके थे यहाँ पे और यहाँ पे ना आपको ना बहुत ही मतलब वैरायटी के रोज़ मिल जाएंगे। है ना, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, बहुत ही दूर मतलब बहुत ही बड़ा था, ये चीज़ें बहुत बड़ा था वहाँ, मतलब एक ना नीचे स्लाइड कर करके आपको स्टेयर्स बन के रहेगा, तो आप नीचे जैसे जाओगे तब जाके वहाँ देखिएगा। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के रोजेज मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे नेम लिखा हुआ था रोज़ का, सारे रोज़ के यहाँ पे नेम वगैरह लिखे हुए थे। बाकी सच बताऊँ तो कुछ था नहीं, जैसे होते ना हमारे मतलब नॉर्मल जो हम लोग घर में जो रोज़ खाते हैं वैसा ही था सच बताऊँ तो। मस्त जोक मारा दिया, हंस रहे हलकट हंस। एंड यही सब है कुछ नहीं, बट लाइक ना सब रोज़ का उन्होंने नेम रखा था, बता दो को ये पिंक वाले रोज़ है, ये वाइट वाले रोज़ है, तो हर इंसान के घर में होता होगा, मतलब नॉर्मली घर में लोग ऐसे ऐसे रोज़ उगाते हैं। एंड यहाँ देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ बेड्स 28 है एंड वैराइटीज़ जो रोज़ के वो 706 है एंड जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट है रोज़ के वो 7000 समथिंग है। ओ माय गॉड, 7400, तो इतने सारे यहाँ पे प्लांट सच में थे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये फिर नीचे भी है पूरा पूरा एकदम वैसे है। एंड आप देख सकते हो कितने सारे रोज़ हैं एंड यहाँ पे थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो हमने अपना अम्ब्रेला खोल दिया। व्हाइट रेड अच्छा ये पूरा नीचे तक, अच्छा स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ऊपर से लेके नीचे तक। सो गाइज, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कभी ऊटी विजिट करने आते हो एंड अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है एंड आप ना अगर चाहते हो कि मतलब उसी टाइम में हर चीज़ को घूम लो विजिट कर लो, तो ना आप इस ना गवर्नमेंट रोज़ गार्डन को ना एक ऑप्शन में रखना, लाइक अगर आपके पास टाइम बचे तब भी इस चीज़ को विजिट करना, क्योंकि ना मुझे कुछ खास नहीं लगा सच बताऊँ तो। मतलब ज़्यादा वैराइटीज़ के रोज़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं थे, लाइक बस हम मुझे तो ना बस 5 to 6 वैरायटी ऑफ रोज़ ही बस दिख रहे थे पूरे इतने बड़े गार्डन में। तो आप इस चीज़ को ना ऑप्शन में रखना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो हम लोग इस चीज़ को पूरा विजिट कर लिए थे एंड यहाँ पे काफ़ी थोड़ी ठंड भी थी, तो ना सच बताऊँ तो मैंने इसका व्लॉग भी अपलोड करने वाली नहीं थी, लेकिन ना मेरे ना मतलब फ़ोन में ऐसे पड़ा था, तो बहुत दिन से कुछ मैं व्लॉग अपलोड भी नहीं कर रही थी। मैं सोचा चलो इसी चीज़ को अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से सब चीज़ शूट किया था। आप इतनी बस यही था कुर्ग से ज़्यादा ठंडा है ना यहाँ पे, वी थॉट कि कुर्ग भी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बट सो वी हैव कंप्लीटेड रोज़ गार्डन। Thank you.
एंड गाइज मुझे सबसे अच्छा ना यही प्लेस लगा था, मतलब सच पूछो तो मेरे को ना ये बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो, लाइक मुझे सबसे अच्छा रोज़ गार्डन में ना यही लगा था। ये आपको ना गेट के बाहर मिल जाता प्लेस। तो हम अपने होटल वापस आ चुके थे।